हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने रोहन कार ब्लॉग में। आज हमारे सामने है टाटा टियागो एक्जेट प्लस पेट्रोल वेरिएंट, जिसका हम करने वाले हैं डिटेल वॉक राउंड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस गाड़ी के फीचर्स क्या क्या आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर इसकी एक्सोरूम प्राइस की बात करें तो ये 6,63,000 की आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो सबसे पहले इसकी फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल में हमको ये कुछ मिल जाते हैं। हमको फ्रंट प्रोफाइल रूप में मिल जाता है हमको पावर एंटीना, इसी के साथ आपको फ्रंट प्रोफाइल में मिल जाती है। सबसे पहले इसकी हेडलैम्प की बात करें तो हेडलैम्प के ऊपर मिल जाती है क्राउन सराउंडिंग प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। डुअल चैम्बर आपको हैलोजन देखने के लिए मिल जाता है, ये मिल जाता है। साइड पर टर्न इंडिकेटर, इसी के साथ आपको ट्राई एरो से भी मिल जाती है क्रोम की गार्निशिंग। इसी के साथ आपको ये कुछ क्रोम स्ट्रिप देखने के लिए मिल जाती है, जो कि एक फेंडर से दूसरे फेंडर तक मर्ज हो जाती है। इसी के साथ आपको मिड में मिल जाता है टाटा का बड़ा सा लोगो। इसी के साथ आपको मिल जाती है फ्रंट DRL फॉग लैंप क्रोम सराउंडिंग के साथ आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसी के साथ इसका बम्पर मिल जाता है स्पोर्टी करेक्टर के साथ। कुछ इस प्रकार से लगती है हमारी फ्रंट प्रोफाइल लुक। अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल लुक की ओर। तो कुछ इस प्रकार से मिल जाती है हमको साइड प्रोफाइल लुक। इसके आपको बी पिलर और सी पिलर मिल जाता है ब्लैक मैट फिनिश में। ORBM मिल जाते हैं हमको पैन ब्लैक फिनिश में, जिसके में आपको मिल जाते हैं ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ। और टर्न इंडिकेटर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। बॉडी हैंडल मिल जाते हैं बॉडी कलर में। इसी के साथ आपको इसमें डुअल कट एलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें आपको फ्रंट में मिल जाते हैं डिस्क ब्रेक। इसमें टायर प्रोफाइल की बात करें तो टायर प्रोफाइल मिल जाती है हमको 175/60 R15 के आपको इसमें टायर देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी के साथ आपको इस गाड़ी की जो लेंथ देखने को मिल जाती है 3765 mm की लेंथ देखने के लिए मिल जाती है। और ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है 170 mm का। आपको व्हील बेस मिल जाता है 2400 mm का। इसी के साथ आपको 1535 mm की इसकी आपको हाइट देखने के लिए मिल जाती है। डोर हैंडल के साथ आपको क्रोम स्ट्रिप देखने के लिए मिल जाती है। गियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जिस प्रकार से लगती है हमारी साइड प्रोफाइल लुक। अब चलते हैं इसके बैक प्रोफाइल लुक की ओर। तो बैक प्रोफाइल में आपको सबसे पहले मिल जाते हैं पियानो पैड्स, इसी के साथ आपको मिल जाते हैं हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। रियर विंडशील्ड पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं डिफॉगर वाइपर विद बॉसर। इसी के साथ आपको इस साइड मिल जाती है लोकल फॉर वोकल की बैजिंग। इसी में आपको मिल जाता है बड़ा सा टाटा का लोगो टियागो की बैजिंग। आप इसे चाबी से बूट को ओपन कर सकते हैं। इसी के साथ आपको मिल जाता है बैक कैमरा क्रोम स्ट्रिप। इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इसका जो बैक बम्पर वो मिल जाता है हमें डुअल टोन के साथ। साइड लुक में आपको मिल जाता है 35 L की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। कुछ इस प्रकार से लगती है हमारी इस साइड प्रोफाइल की लुक। अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। तो अंदर जाने से पहले इस गाड़ी में आपको देखने के लिए मिल जाती है रिमोट सेंटर लॉकिंग रिमोट की, और नॉर्मल आपको दूसरी की मिल जाती है नॉर्मल की के साथ। तो इस गाड़ी करते हैं अनलॉक। अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। सबसे पहले इस डोर ट्रिम की बात करें तो आपको ब्लैक एंड लाइट बीच कलर में आपको डोर प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाती है। आपको ये मिल जाते हैं ORBM एडजस्टेबल बटन पियानो क्रोम में आपको डोर हैंडल मिल जाता है लॉक अनलॉक के लिए बटन, चारों ही पावर विंडो चाइल्ड विंडो लॉक ये कुछ मिल जाती है। यहाँ पे आपको 1/2 L बोतल स्पेस देखने के लिए मिल जाती है। मैप पॉकेट मिल जाती है। स्पीकर का सेटअप आपको 4+4 का आपको देखने के लिए इसमें मिल जाता है। कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाती है डैशबोर्ड की लुक। सीट है जो आपको हाइट एडजस्टेबल में आपको देखने के लिए मिल जाती है। आप सीट इसकी 6-way में एडजस्टेबल कर सकते हैं। इसी के साथ आपको जो सीट है वो आपको मिल जाती है दोनों ही एडजस्टेबल हेड रेस्ट के साथ। ये कुछ मिल जाती है आपको
सीट अपोस्टी ट्रेलो से कुछ पैटर्न मिल जाता है। अब चलते इस गाड़ी के अंदर, तो अंदर से आपको कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाता है। इस साइड आपको मिल जाती है कुछ स्पेसिंग, एसी वेंट पियान ब्लैक के साथ, क्रोम स्ट्रिप के साथ आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये कुछ मिल जाता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रोम स्ट्रिप, दोनों साइड आपको क्रोम स्ट्रिप देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे आप अपना टेंपल परफ्यूम कुछ भी रख सकते हैं। मिड में मिल जाते हैं एसी वेंट पियान ब्लैकनेस क्रोम के साथ देखने के लिए मिल जाते हैं। ये मिल जाता है बीच में हजार लाइट का स्विच ऑन ऑफ बटन ही मिल जाता है। हारमोन का 7 इंच का टच एंटरटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो कार प्ले के साथ देखने के लिए मिल जाता है। ये मिल जाता है आपको फॉग लैंप का बटन, सेंट्रल लॉकिंग का बटन, इसी के साथ आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट एसी कंट्रोल देखने के मिल जाता है। इसी के साथ नीचे मिल जाता है यूएसबी सोर्स इन के लिए, 12 वोल्ट का आउटलेट, 12 वोल्ट का एसेसरी आउटलेट सॉकेट देखने के लिए मिल जाता है। ये मिल जाता है आपको 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। इसी के सराउंडिंग आपको पियानो ब्लैकनेस के देखने के मिल जाती है। 2 कप होल्डर, कॉइन होल्डर, पोर्टल होल्डर, इसमें आपको ड्राइवर साइड भी को पैसेंजर साइड आपको एसी वेंट देखने के लिए मिल जाते हैं पियानो ब्लैक के साथ विद क्रोम फिनिश के साथ। ये कुछ मिल जाता है ग्लव बॉक्स जो आपको कूलिंग फंक्शन के साथ देखने के लिए मिल जाता है। इसमें सेपरेट टैबलेट होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपको स्टीयरिंग पे पियानो ब्लैक फिनिश देखने के लिए मिल जाती है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रोम फिनिश में टाटा का लोगो, ऑन है जो आपको डुअल टोन के साथ देखने के लिए मिल जाती है। इसमें आपको 2 एयरबैग भी देखने के लिए मिल जाते हैं, स्टीयरिंग एंड को पैसेंजर साइड एयरबैग देखने के लिए मिल जाता है। ये कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है माइक, सन वाइजर विद टिकट होल्डर, इस IRBM डे नाइट मैनुअल फीचर्स के साथ देखने के लिए मिल जाता है। को पैसेंजर साइड आपको सन वाइजर विद वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल जाता है, ग्रैब हैंडल, केबिन लैम्प LED में देखने के लिए मिल जाती है। ये कुछ लगता है हमारे डैशबोर्ड की लुक। अब चलते हैं इसके बैक सीट की ओर। हाँ, ड्राइविंग स्टीयरिंग पे आपको हेड लाइट से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, इस साइड आपको वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाते हैं। अब चलते हैं इसके बैक सीटिंग प्रोफाइल की ओर, तो करते हैं बैक डोर ओपन। तो कुछ इस प्रकार से मिल जाती है बैक डोर की ट्रिम, ये मिल जाता है क्रोम फिनिश में हमको डोर हैंडल, लॉक अनलॉक के लिए बटन, पावर विंडो का स्विच, 1 लीटर बोतल होल्डर, स्पीकर साइड आपको मिल जाता है, चाइल्ड डोर लॉक, ये कुछ मिल जाती है हमको सीट, फिक्स हेडरेस्ट के साथ आपको देखने के लिए मिल जाती है। मिड में आपको बड़ा सा हम्प देखने के लिए मिल जाता है। चलिए इसके अंदर गाड़ी के अंदर देख बैठ के बात करते हैं, तो अंदर थाई सपोर्ट काफ़ी डिसेंट साइज़ का मिल जाता है। ये कुछ आपको लेग रूम देखने के लिए मिल जाता है, हेड रूम भी आपको देखने के लिए काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। तो बैक रो से आपको ये मिल जाती है कुछ डैशबोर्ड की लुक। अब चलते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ, बूट में आपको क्या कुछ स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। तो बूट आप ड्राइवर साइड से भी ओपन कर सकते हैं, की से भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो आपको इसमें बूट में आपको रियल पार्सल ट्रे देखने के लिए मिल जाती है। बूट स्पेस आपको इसमें 242 लीटर का मिल जाता है। स्टेपनी आपको इसमें 2 इंच छोटी देखने के लिए मिल जाती है, 155/80 और 13 भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। कुछ मिल जाती है डोर ट्रिम हैंडल। चलिए अब आपको इसके इंजन स्पेसिफिकेशन, तो इंजन आपको इसमें मिल जाता है 1.2 लीटर का रेवट्रॉन सीरीज का पेट्रोल इंजन आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 84 VHP की पावर, 6000 RPM पर एंड 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो कि दे देता है हमको 4000 RPM पर। इसी के साथ जो उसका ARI क्लेम माइलेज है
वो हमको देखने के लिए मिल जाता है 20.09 किलोमीटर का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।